Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You are learning English with Shakil Danish. Dear students, online lectures के अंदर हम paragraph translation कर रहे हैं. आज हम जिन paragraph को translate करेंगे, paragraph number 24, 25 and 28, ये आपकी grammar की किताब की page number 143 के ऊपर है. Let's start from paragraph number 24. Paragraph number 24, 143 page के बिल्कुल ऊपर है, ये स्टार्ट में है. दिस पैराग्राफ इज अबाउट कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना. ये नौजवान कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल करने के इरादे से आया था. दिस यंग मैन केम विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना. जब उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है, उसने तेजी से चाकू निकाला. व्हेन ही saw that no one was there, he pulled out the knife. चाकू निकालने को तो pull out is a phrasal verb. वो कायद अजम की तरफ लपका. He pounced upon कायद अजम. लपकने को कहते pounced upon. ये यहाँ लिखा हुआ भी है. अल्लाह ताला ने कायद अजम को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था. अल्लाह has blessed Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah with great wisdom and courage. अकल को wisdom कहते हैं, दानाई को, और हौसले को courage कहा जाता है. उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया. He stretched out his long hands and gripped firmly the hand of the murderer. मजबूती से पकड़ने को grip firmly कहते हैं. उन्होंने अपने private secretary को आवाज़ दी. He called his private secretary. मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया. The criminal was arrested. तमाम लोगों ने देख लिया कि कायद अजम बहादुर इंसान थे. Everyone saw that Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was a brave man, right? Now we are moving towards paragraph number 25. This is our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah mein paida hue. Hazrat Muhammad was born in Makkah. Makkah ko aap MECCA nahi likhenge, MAKKH Makkah likhenge. Aapke walid ka naam Abdullah tha. His father name was Abdullah. Aapke dada ne aapki parvarish ki thi. Your grandfather nurtured him. His grandfather nurtured him bhi likh sakte hain aap. Your brought up bhi likh sakte hain. Parvarish karne ko brought up bhi likh sakte hain ya आप नर्चर्ड भी लिख सकते हैं. जब आप 25 बरस के हो गए तो आपने हज़रत खदीजा से शादी कर ली. व्हेन ही टर्नड आउट 25 ईयर्स ही गॉट मैरिड विद हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा. हज़रत खदीजा की एज उस वक्त 40 ईयर्स थी और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उस वक्त लगभग 25 साल थे. एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट मैरिज. ये सबसे पहली मैरिज थी. और हज़रत खदीजा और होली प्रॉफिट को अल्लाह ने एक बेटी अता की, उसका नाम है हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा. जब आप 40 बरस के हुए तो आपने कहा कि मैं पैगंबर हूँ. व्हेन ही टर्नड आउट 40 ही डिक्लेयर्ड, ही अनाउंस्ड, ही क्लेम्ड दैट ही वाज अ प्रॉफिट. मेरी बात गौर से सुनो. लिसन टू मी केयरफुली. होली प्रॉफिट ने फरमाया, खुदा एक है, उसकी इबादत करो. गॉड इज़ वन एंड वर्शिप हिम. इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 ईयर्स के हो गए तो अल्लाह ने कहा कि आप अपनी पैगंबरी का खुला ऐलान करें. ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट जो है ना वो किसी ख़ास एज में आके वो प्रॉफिट बनता है. अब प्रॉफिट इज़ बाउंड एज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट प्रॉफिट ही पैदा होता है, लेकिन उसका ऐलान बाद में किया जाता है. जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसी तरह हमारे होली प्रॉफिट भी पैदा ही पैगंबर होते हैं. वो मासूम होते हैं बचपन से लेके आखिर तक, लेकिन उनका ऐलान मसलाहत खुदावंदी के अकॉर्डिंगली होता है. अब जब होली प्रॉफिट 40 ईयर्स के हो गए तो आपने तमाम लोगों को बुलाया
और बुला के कहा, वहाँ पहाड़ी थी, कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो वहाँ तमाम लोगों ने यकज़ुबान होकर कहा, बला या रसूलल्लाह, बला या मोहम्मद, जी हम यकीन कर लेंगे अगर आप कहें कि इस पहाड़ के पीछे से कोई लश्कर आने वाला है और हमारे ऊपर हमलावर होने वाला है तो हम यकीन कर लेंगे। अरब के लोग जानते थे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप सादिक थे, सादिक से मुराद यानी सच बोलने वाले थे। फिर हॉली प्रॉफिट ने फरमाया कि बिना देखे मेरे कहने पर तुम यकीन कर रहे हो कि कोई लश्कर तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, अगर तुम इस पहाड़ के पीछे जाके देख लो और वहाँ पे आपको कोई लश्कर नज़र ना आए तो फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम ये सोचेंगे, अगर वहाँ पे कोई लश्कर नहीं होगा तो हम ये सोचेंगे कि हम अंधे हो गए हैं, आप कभी झूठे नहीं हो सकते। तो हॉली प्रॉफिट ने कहा कि बिना देखे उस लश्कर के ऊपर तुम लोग यकीन रखते हो मेरे कहने पर, तो मैं कहता हूँ कि खुदा के ऊपर ईमान ले आओ बिना देखे। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम अपने आबा व अजदाद के रास्ते के ऊपर चलेंगे। अब बेटे हम क्या करते हैं, पैराग्राफ नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपके बुक की पेज नंबर 144 के ऊपर है। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अमजद फादर वॉज डाइड इन हिज चाइल्डहुड, वो यतीम हो गया। ही बिकेम एन ऑर्फन, यतीम को ऑर्फन कहते हैं, ORPHN। उसका चचा उसे अपने घर ले आया। हिज अंकल ब्रॉट हिम टू हिज होम, चचा का कोई बेटा नहीं था। हिज अंकल हैड नो सन, उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। ही ब्रॉट अप लाइक हिज ऑन सन। अमजद ने MA का इम्तिहान पास कर लिया। अमजद पास्ड हिज MA एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ हिज मास्टर्स, और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत, एंड ही गॉट अ गुड जॉब। अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका। नाउ हिज अंकल हैड बिकम ओल्ड, अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। अमजद सर्व हिज अंकल लाइक हिज फादर, चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। द अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ, दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया। नाउ अमजद हैज बिकम अ मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली। टुडे वी हैव डन 3 पैराग्राफ ट्रांसलेशन, पैराग्राफ नंबर 24, पैराग्राफ नंबर 25 एंड पैराग्राफ नंबर 28, और हर दिन हम 3 पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते जाएंगे और विद इन 2 or 3 लेक्चर्स हमारी ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन ख़त्म होने वाला है। एंड देन वी विल कम बैक टू आवर एसे पोर्शन एंड देन ग्रामर पोर्शन। अब आपके आपका जो ग्रामर पोर्शन है MCQs है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया बेटे, आपने उसको सही से करने। हर चैप्टर के अंदर से जो ट्रू एंड फॉल्स है, MCQs है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको आपने अच्छे से करने, और रिव्यू एक्सरसाइज 1 और 2nd और 3rd, ये तीनों आपने अच्छे से करना है। MCQs को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और उसके ऊपर टाइम देना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर वेल। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।